वंदे वांछित लाभाय चंद्राधिकृत शेखराम वृषारोणाम शूलधाराम शैलपुत्री यशस्विनी। श्री दुर्गा का प्रथम रूप श्री शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये शैलपुत्री कहलाती है। नवरात्र के प्रथम दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण भगवती का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का होता है, जिनकी आराधना से प्राणी सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। माँ शैलपुत्री दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए अपने वाहन वृषभ पर विराजमान होती हैं। नवरात्र के इस प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और यहीं से योग साधना आरंभ होती है, जिससे अनेक प्रकार के शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। माँ दुर्गा शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक सनातन काल से मनाया जाता है। आदि शक्ति के हर रूप में नवरात्र के नौ दिनों में पूजा की जाती है। इसे नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। सभी देवता राक्षस मनुष्य इनकी कृपा दृष्टि के लिए ललायित रहते हैं। यह हिंदू समाज का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसका धार्मिक आध्यात्मिक नैतिक सांसारिक इन चारों के दृष्टिकोण से काफी महत्व है। दुर्गा पूजा का त्योहार वर्ष में दो बार आता है, एक चैत मास में और दूसरा अश्विन मास में। चैत मास में देवी दुर्गा की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है, लेकिन अश्विन मास का विशेष महत्व है। दुर्गा सप्तशती में भी अश्विन माह के शारदीय नवरात्रों की महिमा का विशेष बखान किया जाता है। दोनों मासों में दुर्गा पूजा का विधान एक ही जैसा होता है। माता शैलपुत्री की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो गया। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, अपने यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेष्ठ कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता को और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम नहीं हुई। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी उन्हें वहां जाने की अनुमति दे देती हैं। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों ने इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचाया। उन्होंने यह भी देखा कि वह चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो गया। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह ना सकी। उन्होंने अपने उस रूप को वहां तत्क्षण वही योगाग्नि द्वारा जलकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने खुद हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर
अगले जन्म में शैल राज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैल पुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप कैसे देवताओं का गर्व भजन किया था। ये दोस्तों जानते हैं कलश स्थापना की विधि। कलश को हिंदू विधान में मंगल मूर्ति गणेश का स्वरूप माना जाता है। अतः सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। इस स्थापना के लिए भूमि को सिद्ध यानी शुद्ध किया जाता है। भूमि की शुद्धि के लिए गाय का गोबर और गंगा जल से भी भूमि को लीपा जाता है। फर्श है तो गंगा जल से पोछा लगाया जा सकता है। शैल पुत्री की पूजा विधि। रात्रि पर कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की पूजा शुरू की जाती है। पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। दुर्गा को मातृशक्ति यानी स्नेह करुणा और ममता का स्वरूप मानकर हम पूजते हैं। अतः इनकी पूजा सभी तीर्थों नदियों समुद्रों नवग्रहों द्वीपालों दिशाओं नगर देवता ग्राम देवता सहित सभी योगिनियों को भी आमंत्रित किया जाता है और कलश में उन्हें विराजने हेतु प्रार्थना सहित उनका आवाहन किया जाता है। कलश में सप्तमृत्तिका यानी सात प्रकार की मिट्टी सुपारी मुद्रा सादर भेंट किया जाता है और पंच प्रकार के पल्लों से कलश का सुशोभित किया जाता है। इस कलश के नीचे सात प्रकार के अनाज रखे जाते हैं और जो बोए जाते हैं जिन्हें दशमी तिथि को काटा जाता है और इनसे सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। इसे जयंती कहते हैं जिसे इस मंत्र के साथ अर्पित किया जाता है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा स्वादता नमस्ते। इस मंत्र से पुरोहित यजमान के परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर जयंती डालकर सुख संपत्ति एवं रोग का आशीर्वाद देते हैं। कलश स्थापना के पश्चात देवी का आवाहन किया जाता है कि हे माँ दुर्गा हमने आपका स्वरूप जैसा सुना है उसी रूप में आपकी प्रतिमा बनवाई है। आप उसमें प्रवेश कर हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। देवी दुर्गा प्रतिमा पूजा स्थल पर बीच में स्थापित की जाती है और उनके दोनों तरफ यानी दाईं और देवी महालक्ष्मी गणेश और विजया नामक योगिनी की प्रतिमा रहती है और बाईं ओर कार्तिकेय देवी महासरस्वती और दया नामक योगिनी रहती हैं तथा भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। प्रथम पूजन के दिन शैलपुत्री के रूप में भगवती दुर्गा दुर्गती नाशिनी की पूजा फूल अक्षत रोली चंदन से की जाती है। शैलपुत्री का ध्यान मंत्र वंदे वांछित लाभाय चंद्रध्र कृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधाराम शैलपुत्री यशस्विनी पूर्णेन्द्र निभाम गौरी मूलाधार स्थिताम प्रथम दुर्गा त्रिनेत्राम पटांबर परिधानम रत्नाकिरीटा नामालंकार भूषिता फुल वंदना पल्लवाधारम कातक पोलाम तुग कूचाम कामनीयाम लावण्याम स्नेहमुखी छीन मध्याम नितंब नीम। शैल पुत्री की स्रोत पाठ प्रथम दुर्गा तुहिं भवसागर तारिणी धाम ऐश्वर्यदायिनी शैल पुत्री प्रणमाभ्यम तिलोजननी तुहिं परमानंद प्रदीयमान सौभाग्य रोग्य दायिनी शैल पुत्री प्रणमाभ्यम चराचरेश्वरी तुहिं महामोह विनाशिनी मुक्ति भुक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रम नाम में हम भूमि भवन वाहन की प्राप्ति हेतु नवरात्रि के प्रथम दिवस में ये उपाय जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि भूमि भवन वाहन की प्राप्ति हो तो आप इस दिन ये उपाय कर लें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी भूमि भवन वाहन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो नवरात्र के पहले दिन यानी माँ शैलपुत्री के दिन रात्रि में 8 बजे के बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर दुर्गा जी का यंत्र स्थापित करें। तत्पश्चात एक लौंग
गोमती चक्र, एक साबुत सुपारी, एक लाल चंदन का टुकड़ा, एक रक्त गुंजा, इन समस्त सामग्री को एक पानी में भरे लोटे में रखें, घी का दीपक जला लें, तीन माला ओम हीम फटा की करें और एक माला एम हीम क्रीम चमुंडाए विचे शैलपुत्री देवे नमः के जाप करें। प्रत्येक माला के बाद लोटे पर एक फूंक मारें, फिर उस लोटे के जल को पीपल वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें। उन लौंग एवं सुपारी को वही मिट्टी में दबा दें। लाल चंदन का टुकड़ा और रक्त गुंजा का अपने ऊपर से काट करके बहते पानी में बहा दें। अनावश्यक कोर्ट कचहरी के मामलों से छुटकारा मिल जाएगा। यदि अनावश्यक रूप से कोर्ट कचहरी के मामले परेशान कर रहे हों, तो रोज 40 दिन तक 108 मोगरे के पुष्प ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। प्रारंभ प्रथम नवरात्र को यह उपाय शुभ मुहूर्त से प्रारंभ करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी ये जानकारियाँ आपको सहायक लगी होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।